तो क्या क्या बोल रहे सालो, क्या ले रहा तुम्हारे लिए? चिकन राइस, बटर चिकन, तंदूरी रोटी और बस। अरे वाह, मेरी बस। चलो ठीक है, मैं एक्स्ट्रा अपने तरफ से दो तीन चीज़ और लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कॉपीराइट आया थोड़ा सा बंद हो गया। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, हमारी मॉर्निंग हो गई और आज संडे है, तो आज सालिया का स्पेशल दिन है। तो अभी सालिया डिसाइड नहीं किए हैं अभी तक कुछ भी, तो बोले डिसाइड करके रखो जल्दी जल्दी। रात में जो भी रहेगा हम लोग का प्रोग्राम रात में रहेगा इंशाल्लाह। तो जो सालिया बोलेंगे सालिया को मैं वो ला के दूंगा। ठीक है, अभी नहीं थे, फिर के बाद हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद में। जो चंदा जमा हुआ है ना माशाल्लाह, पहले जमा हुआ था 9,000, फिर उसके बाद में 23,000 हुआ, फिर उसके बाद में और बड़ा माशाल्लाह। अभी मेरे ख्याल से जो अभी मैं चंदा दूंगा ना, वो मेरी रशीद का सबसे हाईएस्ट चंदा होगा जो अभी रशीद बनेगी। माशाल्लाह एकदम दिल खुश हो गया। अल्लाह पाक जिसने भी चंदा दिया है उन सबको सलामत रखे और उन सब की उम्र दराज करे। उनके जो भी खानदान में इंतकाल कर गए उन सब के बेहिसाब मगफरत फरमाए मरहूम मरहुमा की, और अल्लाह पाक क्या बोलते अपना और दिल खोल के देने वाला बना। माशाल्लाह दिल खुश हो गया मेरा इतना सारा मतलब देख के। और सालिया क्या बोल रहे हैं? तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब कैसे हैं। तो आयाज का ब्लॉग शुरू करते हैं आप लोगों का। वेलकम है सालिया यासिन शेख के ब्लॉग में। तो हम लोग का नाश्ता करके सब हो चुका, तो अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, खाना तो नहीं बनाने का है। तो आप लोग भी जाइए, तो आप जाइए चंदे देकर आइए। अच्छा, मुझे लगा आप लोग भी जाइए बर्तन धोइए, ऐसा बोल रहे। देखो आरन बाबू क्या कर ले रहे थी, क्या करने नहीं है ये। सलाम करो, नहीं दूंगा। फातिमा कैसे हो, सलाम कर दो। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, क्या कर ले तू? मैं वीडियो बना रही थी। क्या बना रहे थे? वीडियो बना रहे थे। अलान की? अच्छा, मेरी बेटी भी ब्लॉगर बन गई है। जब तक छोटे तब तक। हाँ बेटा ठीक है, उसके बाद में तुमको भी नहीं लूँगा मैं वीडियो में, अगर बड़े हो जाएंगे तो। जैसे उसकी अम्मी आते हैं वैसे ही सेम टू सेम आएगी वो। क्या हो गया? मैं जाऊँ नहीं मैं, हाँ मस्जिद से चंदा देने नहीं जाऊँ। लटक गया मेरे ऊपर लाइट, वो जो आजमी नगर में बन रहा है इसीलिए वो गई है ना। पता नहीं कहाँ है, पीछे बोल रहे हैं। यहाँ पर कल बन रहा था, पूरे वो एरिया के गई थी, अब ये एरिया के गई। वो नया पाइप जो डाले ना अभी बीच में, वो जो नया पाइप डाले ना, तो उसी वजह से हो रहा है। और यहाँ पर देखो भाई, इसको बाहर कपड़ा खंगालने का पड़ता है। आ जाइए लाइट आ जाए। मैं आज छुट्टी पे हूँ ना, तो इस वजह से मैं सोचा इस काम करके ले लेता हूँ। तो जस्ट अभी मैंने फारूक अंकल को फ़ोन किया, तो आधे क्या बोलते अपना डेढ़ घंटे, एक या डेढ़ घंटे में आ जाएंगे, तो मुझे फ़ोन करेंगे। तो मैं जाके सबसे पहले ये जो जिम्मेदारी वाला काम है वो कर दूंगा, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह फ्री होके देखेंगे क्या है क्या नहीं। अरे वाह, तो हसनैन आ गया। आगे बाबू तुम, क्या हाँ। बात है यार, लाइट गई है ना इसी वजह से भाई लोग आ गए हैं मेरे घर पे। भाभी किधर है? बर्तन धो गया। अच्छा, बर्तन धो गया। अरे आप तो हुनैन को नहीं लाया? सो रहा है वो। ए क्या बोलते गुल्लू, चप्पल तो उतारो, चप्पल उतार दो पाल, चप्पल उतार दो बेटा। ओ गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी इमरान भाई के साथ में। कहाँ जा रहे भाई? पता नहीं कहाँ लेके। गणेश नगर शायद, गणेश नगर। हाँ, तो ऐसे कुछ काम से जा रहे हैं और सबसे पहले इमरान भाई घर से हेलमेट लेंगे, फिर जाएंगे लेकर। बचखान लोग बहुत पीछे चिलम चिल्ली कर रहे हैं, देखो सब एरिया के बचखान हैं अपने। चलो तो भाई हेलमेट ले लिए हैं और यहाँ से अभी सैंपल स्कूल जा रहे हैं, ऐसे टाइम पास के लिए जा रहे हैं हम लोग, घूमने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। बच्चे लोगों को घर पे छोड़ दिया, लाइट वेट गई है ना, तो इसी वजह से। और क्या बोलते दोस्त? अलहमदुल्ला भैया, माशाल्लाह देखते देखते देखो ये भी डबल वाला तैयार हो गया। क्या बात है, ट्रिपल है। वसीम भाई क्या कर रहे हैं? गाड़ी है नहीं, तुम हेलमेट पहन लिए यार। पहन लोग बहुत है रस्ते में, इसके लिए अच्छा हेलमेट पहन के जा रहा हूं, कोई पहचाने का नहीं। भाई अपना वो टाइम नहीं है अभी, समझो वो टाइम पता नहीं कब आएगा। सेफ्टी जरूरी है, प्रैक्टिस। हाँ, ऐसा कभी कानून निकल गया तो चलने के टाइम भी हेलमेट पहनो, ऐसा निकल गया तो। भाई वसीम भाई हमारे साथ में आ रहे थे लेकिन घर से फ़ोन आ गया भाई, तो जा रहे हैं अभी बच्चे संभालने के लिए। चलो जाओ, बेहतरीन ड्यूटी लगी है तुम्हारी। चलो इमरान भाई तुम चलते, चल रहा बैठ रहा। भाई और मैं निकल गए हैं इसे टाइम पास करने जा रहे हैं, थोड़ा घूमते फिरते माइंड फ्रेश करते। और 7 नंबर को देखो भाई, 7 नंबर ऐसा, और अपने 7 नंबर की बड़ी मस्जिद। कितने बजे सोए भाई रात में तुम?
हाँ क्या, मुझे लगा नींद नहीं आएगी भाई खुशी में, लेकिन भाई बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। तो आए हैं हम लोग गणेश नगर के कुछ ऐसे इलाके में, देखो यहाँ के कुछ और जगह दिखाता हूँ। और जस्ट मुझे अभी फारूक अंकल का फ़ोन आया, तो वो आ गए हैं मस्जिद में, उनको चंदा भी देने जाने का, तो अभी यहाँ से ना हम लोग वहीं जाने वाले हैं। घर पे चल रहे ना भाई अभी? हाँ ठीक है चलो। तो ये देखो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, मस्त है यहाँ पर गली गली, और पीछे साइड भी है। तो ये ऐसी रास्ते में ट्रक खड़ी हो जाती है। काम चालू है यहाँ पर बिल्डिंग का भाई, अंदर जाने का हम लोग उतना टाइम लगा और बाहर फटाक से निकल गया। हाँ इसीलिए एक नंबर का यार रास्ता बहुत खतरनाक है, जो बीच में से आता हमेशा यहाँ पर ना ट्रैफिक रहती है। गाइस मैं आ गया घर पे और देखता हूँ, देखते हैं यहाँ पर बच्चे लोगों ने क्या हालत की है घर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माँ मेरी, किसका किसका काम है ये? किसका काम है? तेरा काम है, तेरी तो। अंदर चल, अंदर चल। इंशाल्लाह गाइस बताओ आप लोगों को कितने की रशीद बनी है, बता दो पक्का। ये देखिए 46,820 रुपए की रशीद बनी है माशाल्लाह भाई, मतलब जो अभी तक मैंने दिया हो ना सबसे हाईएस्ट रसीद ये वाली बनी है, और इंशाल्लाह इसके बाद वाली जो बनेगी 50,000 की बनेगी। यहाँ पे देखो ईंट वगैरह जो भी है सब ऊपर लेके जा रहे हैं, और अभी नीचे की जो टाइल्स थी ना वो लगभग लग गई है, और अभी ऊपर काम चालू है। और माशाल्लाह यहाँ पर हमारे भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो भाई अभी ये जो दीवार क्या बोलते अपना आती थी ना, अभी उसको पूरा कर दे रहे हैं। वेरी गुड, लगे रहो भाई। हाँ साहिल भाई ऊपर का भी कंप्लीट कर रहे हैं क्या? क्या सिर्फ दीवार उठा रहे हैं आजू बाजू कंप्लीट करना है माशाल्लाह। यहाँ से भी दीवार उठेगी ना आगे से? अच्छा गोल बनेगा जैसा चिश्तिया मस्जिद में कैसा डिजाइन बना ऐसा? हाँ। अच्छा अच्छा खिड़की के जैसा, क्या बात है यार एक नंबर। वही तो मैंने बेशक माशाल्लाह वैसा करेंगे। चलो अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कैसा, किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए, जो भी काम है ना खुद ही करवा रहे हैं, लेबर चार्ज में ना, लेबर चार्ज पे मतलब लड़के लोग रख के काम करवा रहे हैं, तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं दिए, तो इसलिए जो भी होता है काम चलते रहता है, जितना आता है उतना माल आ जाता है, और पगार वगैरह जो भी है सब निकलते रहते हैं इसी में। बस अल्लाह करे जल्दी जल्दी बच्चे हैं इंशाल्लाह। हाँ चलो चल भाई, हमारा नाश्ता बोल रहा सॉरी यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमारा खाना ना सब खा के हो गया, काम देखने हैं, रहने दे अब्बा के पास जाऊँ। हाँ क्या, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमारा खाना ना सब खा के हो गया, और यहाँ पर देखिए अब्बा, और क्या हो रहा है अब्बा? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, अल्लाह का शुक्र। क्या और वसीम भाई एक और काम देख रहे हैं, लेकिन अब्बा के पास कारीगर काम है, तो मैं अब्बा के पास जाने वाला हूँ। जो भी सोलिया को मैं ट्रीट देने आ रहा था वो रात में दूंगा सोलिया। तो क्या खाएंगे तुम बताओ? राइस, चिकन राइस, बटर चिकन, तंदूरी रोटी। अरे वाह, चलो ठीक है, मैं एक्स्ट्रा अपने तरफ से 2-3 चीज और लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, कुछ मीठे में भी। तो रात में जाएंगे अपन, वसीम भाई को लेकर चलना भाई साथ में, कंपनी रहेगी मस्त एकदम, ठीक है। ए नहीं जाने का देखो, हाँ ए देखो नहीं जाने का, क्यों? खाना खाया ये? इसका ना यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है, हाँ भाई मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। कितने बज रहे? इसको बोला 2-3 खा ले, घड़ी का टाइम बता रहा, बोलता है 1 घंटे में निवाला खाता हूँ। वो तो है बेटा, तू मालूम पड़ गया सबको। चलो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? उतर के जा, चल बड़ा हो गया तू। पुष्पा राज बन रहा, चल बाय बाय। तो भाई हसनैन को ना पहुँचा के लेके गया, और घर पे क्या बोला उसने? अरे बाप, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभी गुलाम भाई की साइड पे, और वहाँ से कॉफ़ी मार रहा है साले, वहाँ से ना कॉफ़ी पिएंगे ईरानी।
इसको बोल रहे तुम तो वहाँ से कॉफ़ी पियेंगे और उससे मैं सामान वामान भी लेने का तो वो भी लेते हैं। क्या बात है भाई, गुलाम भाई ने पूरा फाइनल कर ही दिया है आखिरकार। ये देखो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कलर पास किए यार। हाँ गुलाम भाई फाइनल हो गया है, फाइनल कर दिए आज इंशाल्लाह फाइनल, पूरा फाइनल। अभी सीढ़ी मार रहे ना तुम, सीढ़ी मारो फिर दो सीढ़ी मारो ना, हाँ फिर टप्पा मारते मारते बस फाइनल। अरे क्या बात है यार माशाल्लाह। और क्या बोलते आफरीदी भाई, सब खैरियत? सब अल्लाह का एहसान है बड़े भाई। कल गए थे चाय पीने के लिए, वैसे जाएंगे। और आज एक भाई और बगर क्या बोलते भाई, बस मेरी बारी इलेक्ट्रिशियन। अच्छा इलेक्ट्रिशियन है क्या, माशाल्लाह। तो गाइस हम लोग आ गए हैं चाय पीने के लिए। चाय ऑर्डर दिए क्या भाई? हाय चाय यार, पाँच चाय, चार कप पालिया भाई, पाँच जने पाँच पाँच चाय लेते जाओ बॉस। बाय हेलो, ठीक है बड़े भाई, हो गई सबकी? तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं चाय एकदम मस्त वाली मलाई, इसकी मलाई बहुत पसंद आती है भाई। तो गाइस मैं आ गया था घर पे और हम लोग ने भी जो शाम का नाश्ता करते ना वो नाश्ता वगैरह कर लिए और अभी बज रहे हैं 8। और मैं गया था कोटमाले पे कुछ थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करने के लिए, क्योंकि बीच में भी निकाला था थोड़ा बहुत सामान। तो ये देखिए एकदम मस्त सफाई वफाई करके जो सामान थोड़ा बहुत सेट करने का था यहाँ वहाँ मैंने कर लिया हूं। और एक हमेशा जब भी मैं कोटमाले पे चढ़ता हूं ना तो अपने एक गोनी ना फिक्स से निकलना ही है कचरा, ये भंगार। तो अभी मैं जा रहा हूं भंगार बेचने के लिए, तो भंगार बेच के आऊँगा। सौलिया बोलते जो भी पैसा निकलेगा ना मुझे देना। तो मैं बोला हाँ चलो ठीक है यार, तुम्हारे को दे दूँगा मैं, हाँ टेंशन मत लो तुम। ये देखो ये लोग दोनों को देखो मस्त आपस में खेल रहे हैं बेटा, लेकिन गिरना नहीं है, अच्छे से बैठना ठीक है, गिरना नहीं मेरा बच्चा, हाँ मेरी जान। तुम लोग दोनों बहुत प्यार हो ना, मेरी जिगर के टुकड़े हो ना तुम लोग दोनों, गिरना नहीं है। क्या आप एक पटली ठोक देंगे ना तो बच्चे लोग की दवा और वो कागज यहीं पर ठोकू, कहीं अच्छी जगह ठोकता हूँ ना, यहाँ पर अच्छा लगेगा यहाँ पे ऐसा। अरे ठोक पाटली नहीं ठोकने का, वो मिलती है ना कांच का, वो तुम्हारे अम्मी के साथ दरवाजे के पास रखा हुआ था ना जिसके मोबाइल वोबाइल रखते हैं, हाँ। वो वाला थोड़ा अच्छा भी लगेगा, लुकिंग भी लगेगा, हाँ ठोकना पड़ेगा वो, लेकिन कैसा थोड़ा लुकिंग में अच्छा लगेगा वो। अभी लकड़ी वकड़ी का लाएंगे तो लकड़ी वकड़ी का लाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, वो लुक भी रहेगा, आगे से ऐसा बॉर्डर भी बना रहता है और मस्त रहता है। वो बेबी किट तो फेंकने वाला हूँ, नहीं नहीं बच्चे की निशानी। अच्छा चलो ठीक है, इंशाल्लाह अभी नहीं बाद में जब फ्री होंगे ना तब देखेंगे, वो पता नहीं एक नंबर से मिलता है कितने का मिलता है वो सब देखेंगे, तब बाद में लाके ठोकूंगा ठीक है। अभी फिलहाल जो है जैसा है वैसा चलाओ, बढ़ाओ मत कुछ भी ठीक है, मेरे बच्चे की निशानी मैं फेंक नहीं सकता। अरे माँ मेरी बच्चे की निशानी है और आप बाप की, तुम्हारी निशानी तो फेंकने नहीं थी उसे। क्या मेरी निशानी क्या थी बताओ, तुम्हारी निशानी, मेरी निशानी दी हुई तुमने अभी तक पहने ही नहीं, अंगूठी नहीं पहनते तुम। इनकी निशानी ने एक बार ना मेरे से क्या हुआ, असल में कचरे की बाल्टी में चले गई थी तो पूरा काम छोड़ी, कचरा वचरा निकाली सब चेक करी, उधर देखी उधर देखी कचरे की बाल्टी में मेरी निशानी अब कचरा बन गई है। सही है यार इमोशनल गाड़ी हंगी हंगी टेंशन मत, तुम पहनते नहीं है अंगूठी। चलो भाई सोने की नहीं थी, हाँ चांदी की अंगूठी थी, मैंने ना मुंह दिखाई इनको दिया था। तो मैं आ गया था भंगार बेचने के लिए अपने को ना 20 रुपए में आ गया मैं, कितनी जान हुई, ये लो 20 रुपए मिला, 20 रुपए मिला हाँ। तो क्या 1 किलो 300 ग्राम था तो 20 रुपए मिला, रख लो तुम ऐश करो जाओ ऐश करो, हाँ ज्यादा भंगा रहेगा, लोखंड रहेगा ना लोखंड उसका ज्यादा मिलता है, प्लास्टिक था ना तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते कुछ भी लेकर आया है मेरी जान, लेकिन अभी लेकर आऊंगा मैं तुम्हारे वास्ते। चलो बताओ क्या खाएंगे तुम, क्या खाएंगे, बेफर खाएंगे? अरे बेफर खाएंगे ना तुम्हारा पेट पेट है ना में पेट में कीड़े हो जाएंगे, बेफर ही खाएंगे। अच्छा क्या खाएंगे, मूंग की दाल? अरे माँ मेरी मूंग की दाल भी खाएगी, बेफर भी खाएगी और जलेबी भी खाएंगे। चॉकलेट भी खाएंगे और वो खाएंगे क्या बोलते हैं आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम ठीक है। चलो भाई फातिमा के लिए जलेबी मूंग की दाल बेफर और आइसक्रीम ठीक है। और आराम तुम क्या खाएंगे बेटा, तुम क्या खाएंगे, क्या बोले, मूंग की दाल
ठीक है, एक पूरा पैकेट भरा के रख लेता ना घर पे, ठीक है। 9:30 और मैं जा रहा हूँ अभी खाना लाने के लिए। हाँ सालिया, जो दोपहर में बोले वही लेकर आना, पक्का? ठीक है, चलिए चलते हैं। सालिया को आज देते हैं स्पेशल ट्रीट, इस वजह से मैं दोपहर में तो हम लोग खा लिए थे कुछ भी, लेकिन रात में बोला तुम मत बनाना, जो तुम्हारे पसंद का वो खाना देंगे। तो माशाल्लाह जा रहा हूँ मैं खाना लेने के लिए। ओके मैं आता हूँ, चलिए यहाँ से चलते हैं वसीम भाई घर पर, वसीम भाई को भी ले लेते हैं। अरे भाई अपनी कंपनी मिल गई। और क्या हो रहे वसीम भाई, क्या कर रहे थे? हाँ भाई हम लोग आ गए हैं अजवा, ये सॉरी हाँ अजवा में बराबर। भाई गर्दी बहुत है यहाँ पे, लेकिन होटल में नहीं है लेकिन रोड पे देखो बहुत गर्दी है। चलो भाई जो लेने का है अपने को ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर भी स्पेशल स्पेशल आइटम रखे हुए हैं। हाँ जो हम लोग दोपहर में पूछे इतना भाई को याद है बराबर। और मीठे में ना अपन ये देखो ले रहे हैं पुडिंग, एक पुडिंग ले लेते हैं मीठे में, मस्त मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग ने ना एक बटर चिकन और एक चिकन फुल राइस ऑर्डर कर दी। राइस खाना लेने के लिए इतना शर्मा रहा है ना, पता नहीं क्या हो गया उसको, खाना नहीं ले रहा शर्मा ले रहा, बोलता है ऑर्डर दो ना ऑर्डर दो, अरे थोड़े ना मारेंगे तो वो पैसा दे के ले रहा है ना, शर्मा तो चले भाई अपन ने जो सामान ना ऑर्डर दे दिए है, बस अभी अपना सामान आएगा तो लेके चलते हैं। और क्या लेंगे? तंदूरी लेंगे, तंदूरी मस्त रहेगा, तंदूरी मजा आएगी। तो यहाँ से नहीं लेंगे अपन तंदूरी, वहाँ से लेंगे। तो चले भाई जो सामान लेने का था अपन ने ले लिया है, ले लिए भाई, चलिए चलते हैं घर पे और दिखाते हैं आप लोगों से क्या क्या लिया। अभी पार्टी हो रही है, क्या बात है माशाल्लाह। छोटू भाई बाहर से मंगाया अपन घर में बना रहे हो, क्या सही है? नहीं कभी कभी बाहर का भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं क्या? नहीं मैं सोचा था सालिया को मतलब होटल में लेके जाए, लेकिन बोला अभी दो भचकाने लोगों का उठा के लेके जाओ, परेशान कर देते भाई कसम से, इसलिए बोला घर पे लेकर आएंगे। बस बड़े भाई लगा दिए सब, आठ लगा दिए थे सबके। चलो जो तुमने बोले प्रॉपर वही लेकर आया, माशाल्लाह दम खुश। अरे क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। रबड़ी है रबड़ी, हाँ चलो फटाफट निकालो। और सौलिया तो भाई एकदम खुश हो गया माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। क्या बेटा तुम्हारे लिए मैंने मूंग दाल भी लेकर आया, ठीक है, और रबड़ी भी लेकर आया, ये तुम्हारे लिए भी लाया मैंने। चलो बैठते खाना खाने के लिए, अब्बा भी आ गए हैं। तो गाइस हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, तो आप लोग भी आइए खाना खाने। माशाल्लाह जैसे सौलिया ने बोले थे मुझे बटर चिकन लेकर आना, चिकन राइस लेकर आना, और मैंने ना उस्ताद के वहाँ से बिरयानी भी ले लिया था और रबड़ी भी ले लिया था, फ्रिज में रख दिया हूँ ताकि क्या बोलते अपना अच्छी रहे ठंडा मस्त, एकदम खाना खाने के बाद खाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। भाई देख के ना मुँह में पानी आ रहा था। गाइस मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। A few moments later. तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमारा खाना ना खा के हो गया माशाल्लाह, सौलिया एकदम खुश हो गए हैं, बोलते क्या है। बोला चलो भाई अब्बा को बताते हैं क्या है। और चलो अब्बा खोलो, देखो ये है रबड़ी, अरबियन रबड़ी है, सॉरी रबड़ी बोल रहा हूँ, पुडिन, अरबियन पुडिन। हाँ अरबियन पुडिन आ रहा है, लाऊं? ऐसा लगा बहुत बढ़िया रावस। चलो हाँ अब्बा को बहुत पसंद है अरबियन पुडिन, अपन भी खाते हैं माशाल्लाह। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। आरन बाबू हेलो, पुदीन खा लो, पुदीन खा लो। ये बोलता है मेरे को हाथ मत लगाओ ये। हाँ सौलिया कैसे लगा लो? बहुत मस्त लगा, खुशी हुई खा के, बहुत माशाल्लाह पेट भर गया। अरे वो है रवा, आइसक्रीम 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 खा के तो देख, आइसक्रीम है बेटी, आइसक्रीम है बेटा। हेलो आइसक्रीम, तुम बोले थे ना कुल्फी कुल्फी। हाँ हेलो जरा खा के तो देखो, अब्बू के लिए खा लो, देखे अच्छा लगा ना, खाओ फिर। ये मेरा आराम बाबू खाता है ये। आज अलग ही खुशी मिल रही है यार। गाइस आप लोग भी आइए पुडिंग खाने के लिए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग इधर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना प्यार सब ऐसे ही बनाए रखें।